हेलो गाइस, क्या हाल चाल है आपका। स्वागत करता हूँ पहले तो हमारे सबके चैनल में इंडियन बॉय लॉस्ट इन नेपाल। मैं हूँ इंडिया से, मेरा नाम है अभिगन शर्मा और आज जो हमने रिएक्शन देनी है वो है अभी क्या गेम मेरे एंड निशान बतराए। इनका सॉन्ग है क्लासिक सॉन्ग, बेस्ट परफॉर्मेंस एवर, व्हाट ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। ओके, ये टाइटल दिया हुआ है भाई साहब ने किसी ने, तो हम भी ऐसे ही दे देंगे टाइटल। तो चलो पहले देखते हैं कि एबिका गेमरे और निशान बतराई जी कौन है। ये मेरी फर्स्ट टाइम रिएक्शन है उनके ऊपर, कि पहले देख ही लेते हैं फिर ही एनालाइज करेंगे उनको। वी आर एनालिस्ट। तो गाइस, 1 2 3 नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्ले। आ वेट, हुआ नहीं प्ले। निसा ग म ध धनी सा नी ध ग म रे सा। बाचा का समझुता लाग्छन् मन का कुरा राखी दिन्छु आशा धेरै नराख है सबलाई आफ्नै धुन छ यहाँ। आशा धेरै नराख है सबलाई आफ्नै धुन छ यहाँ। सपना आखिर सबै बुन्छन् भोली तिम्रो रहर आज भोली तिम्रो रहर मेरै जस्तो लाग्छ तिमी बाहेक सबै पल बिर्थ लाग्छ
तिमी छौ र गीतहरु झने अर्थ लाग्छ तिमी बाहेका सबै पल व्यर्थ लाग्छ तिमी छौ र गीतहरु वीडियो को देखने के बाद मैं सच कहूँ तो मैं ऐसे मतलब एक तरह डिजर्व नहीं करता कि मैं ऐसे अभिज्ञा और निशान जी के ऊपर ऐसे रिएक्शन देख करके जज करना, क्योंकि जिस लेवल पे मैं ऐसे जज करूँगा उनको तो उस लेवल से जहाँ मेरी नॉलेज म्यूज़िक की ख़त्म होती है ना, वहाँ से तो अभिज्ञा और निशान जी की नॉलेज वहाँ से शुरू होती है म्यूज़िक की, क्योंकि पता चलता है जो सुर हमें पता ही नहीं कि इतने मतलब हाई लेवल वाले सुर होते हैं, जो हमने मतलब सुने भी होते हैं कि पता है ये सुर महान लोग ही गा सकते हैं। तो आज हमने महान लोग देख लिए हैं, अभी क्या की मेरे जी और निशान बदराए वन एंड ओनली। और आपने जजेस को देखा होगा कि वो भी अंदर से ऐसे हैरान है कि भाई साहब अरे कैसे 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 गा सकते हैं। और मैं निशान बदराए जी को जब देखा ना, वो ऐसे लग रहे थे कि ऑलरेडी उनके पता नहीं 100 मिलियन ऐसे सॉन्ग आ चुके हैं, इस लेवल पे वो गा रहे हैं इतने एक्सपीरियंस के साथ, ऐसे लग रहा है मुझे। मैं कभी नहीं देखा उनको, पर अभी क्या गेमरे जी ऐसे मुझे लगता है वो पार्टिसिपेट हैं, पर जिस हिसाब से ऐसे सुरों के साथ ऐसे ऊपर नीचे सुर ऊपर से और ऊपर नीचे की तरफ और नीचे ऊपर नीचे करके ऐसे एक फिर बैलेंस करके गाना, ये सिर्फ एक ट्रियो कलाकार ही ऐसे गा सकता है यार। मैं क्लैप करना चाहता हूँ अभी क्या है और निशान जी के लिए, दोनों के लिए। भाई साहब इससे ऊपर कोई वीडियो नहीं हो सकती यार, अगर सुर देखना चाहते हो आप, रियल म्यूज़िक होता है ना जो, वो ये वाला होता है। मतलब सुर होते हैं जिसमें जैसे पुराने सॉन्ग्स जो ऐसे अपना म्यूज़िक जो दिखाया जाता है, जैसे अगर कहते हैं ना इस ऐसे म्यूज़िक है अभी क्या का और निशान का, कि अगर इनका कोई म्यूज़िक आता है ना इनको ऑटो ट्यून वगैरह की भी ज़रूरत नहीं। अगर मेरे जैसा कोई आदमी गाएगा तो ऑटो ट्यून, भाई साहब ऑटो ट्यून ज़्यादा होगी आवाज़ कम होगी, ये सीन है। तो पता चल रहा है क्योंकि ऑटो ट्यून भी क्या करेगी जब हमारे पास ऐसे सुर हैं, अगर सुर हैं तो ऑटो ट्यून का चादर नहीं लेनी पड़ती, वो मेरे जैसे लोगों को लेनी पड़ती है। और सलमान खान जी पता नहीं अचानक से क्यों याद आए हमें मजाक कर रहा हूँ गाइस, सलमान खान भाई साहब की आवाज़ है ना जो कईयों का ऑटो ट्यून के साथ अच्छा लगता है, ठीक है, जैसे कि मेरी अपनी भी तारीफ करनी बनती है जनाब। तो चलो सीरियसली बात करते हैं अब। तो यार सच में बेस्ट परफॉर्मेंस लिखा हुआ है जैसे टाइटल में, हमें बेस्ट परफॉर्मेंस ही मिली। तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो, और उनको वोट करने का क्या मतलब ज़रिया है सब कुछ बताओ, कि अभी भी चल रहे हैं ऑडिशन या ख़त्म हो गए या क्या हो रहा है, मुझे कोई अपडेट ही नहीं मिल पा रही सारे गामा पा की तरफ से। तो प्लीज़ आप थोड़ा बताएं और कमेंट सेक्शन में बताएं और भी वीडियोस, और थैंक यू सो मच मुझे ये वीडियो बताने के लिए। ऐसे ऐसे वीडियो आती रहेंगी, आप बस बताते रहें, हम बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच गाइज़।